हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस एक और नया वीडियो आ गया है बर्थडे का, जो था क्योंकि जो पिछला वीडियो था उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था जो बर्थडे का ब्लॉग था। तो गाइस डेकोरेशन करने के बाद और मेहमान भी आ गए हैं और मौसी और मैं छत पर आ गए थे ऐसे ही घूमने के लिए। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी ज़्यादा हरियाली हो रखी है, बहुत ज़्यादा। पास में खेत हैं और गन्ने वगैरह और ये लिप्टिस वगैरह के पेड़ खड़े हैं, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हरियाली हो रखी है यहाँ पर। तो गाइस मेहमान आ चुके थे और जो मेरी छोटी वाली बहन है मतलब माई की साइड से आ गई थी, यहाँ पर डांस वगैरह सब हो रहा है। कुछ मेहमान जो पास के हैं मतलब तो भी नहीं आए थे, यहाँ पर बहुत से थे सभी लोग आ गए थे। तो यहाँ पर डेकोरेशन के बाद यहाँ पर सभी वो हो गया था, तो बस यहाँ पर डांस वगैरह ये सब चल रहा है और बाकी अभी मेहमान ज़्यादा नहीं आए, लेकिन हाँ जो दूर के थे वो सभी मेहमान हमारे आ चुके थे। और जो ताऊ जी की लड़की वो चली गई थी वैसे डेकोरेशन कर मतलब कराने के बाद, तो वो चली गई थी बट वो शाम के टाइम ना फिर से आ गई थी, रात में 7-8 बजे के आसपास फिर से वो आ गए थे, क्योंकि उन्हें ना फिर वो गाय भैंस का जैसे वो रहता है ना काम वगैरह तो ये सब करना था, तो इसी वजह से फिर से उन्होंने बोला कि अब तो लेट होगा प्रोग्राम। मतलब 10-12 किलोमीटर दूर था यहाँ से उनका जो घर था, तो लेकिन वो फिर शाम को आ गई थी, मतलब केक कटिंग के टाइम पर आ गए थे। तो यहाँ पर अभी डांस वगैरह ये सब हो रहा है और जो ये डांस वगैरह कर रही है लड़कियाँ ये मायके की साइड से, मतलब जो मेरी भाभी है छोटे वाली उसकी मायके की साइड से आ रखे हैं। तो यहाँ पर लड़की वगैरह डांस कर रहे हैं, आप लोग एंजॉय करना वीडियो। यहाँ पर अभी केक कटिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है और हरलीन तो सबसे पहले आके बैठ गई थी, मतलब जिसका बर्थडे था वो भी नहीं आई थी। हरलीन सबसे पहले वहाँ पर चेयर बिछा कर बैठ चुकी थी, क्योंकि हरलीन को बड़ा शौक रहता है बर्थडे ये सब का, तो बहुत ज़्यादा शौक है। तो यहाँ पर ये है मेरी छोटे वाली भाभी और इसका फर्स्ट बर्थडे है सीरत का, और ये है पापा और ये भैया के दोस्त हैं इधर, तो ये भी भैया के दोस्त हैं, आप लोगों को हेलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी मेहमान थे सभी लोग आ चुके थे और जो ताऊ जी की लड़की जो गई थी वो भी आ गई थी, क्योंकि शाम का टाइम आ गई थी मतलब केक कटिंग के टाइम पर आ गई थी। तो यहाँ पर बर्थडे की जो तैयारी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अभी बस केक कटिंग है, तो बस अभी केक कटिंग होनी है। और ये सीरत इतनी ज़्यादा रोई थी, बहुत ही ज़्यादा, और ये जो मोमबत्ती सी थी ना बस ये इतनी जली थी, बाद में जली ही नहीं, हमने इतनी ज़्यादा कोशिश करी से जलाने की, बस ये पता नहीं ख़राब हो चुकी थी, बस इसने हल्की सी चली वहीं की फिर वहीं मतलब वहीं की वहीं फिर बंद हो चुकी थी। इसे बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि चल जाए लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चली। और हरलीन वैसे तो पास में बैठे थे लेकिन जैसे ये चली थोड़ी सी तो इससे मतलब निकल के उधर खड़ी होगी कि कभी ये चल जाए, क्योंकि इसे ये सबसे बड़ा डर लगता है। और यहाँ पर सीरत इतनी ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, अभी तो थोड़ी शांत है क्योंकि पापा के पास है, लेकिन इसने इतना ज़्यादा रोई है, बहुत ही ज़्यादा रोई, क्योंकि रहता है ना तो नए कपड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और जैसे इतने सारे मेहमानों को देख के थोड़ा बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो बस शायद यही सब हो रहा था सीरत के साथ भी। तो अभी तो खैर शांत है लेकिन वरना बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि पापा के पास है पापा और इससे तो इतना ज़्यादा लगाव है भाई, इसकी मम्मी से भी मतलब मेरी गोदी आ जाती थी, लेकिन अगर पापा ने गोद में ले रखी है तो मतलब हिम्मत नहीं भाई किसी की गोद में चले जाए, पापा से तो इतना ज़्यादा वो करती है। तो यहाँ पर केक कटिंग करा रहे हैं पापा, सीरत मतलब सीरत और पापा दोनों ही केक कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो केक कटिंग था वो होने वाला है, बाकी सभी मेहमान हमारे आ चुके थे और ये जो वो वाली मोमबत्ती थी ना वो तो बिल्कुल चली नहीं थी, वो वहीं के वहीं फिस हो गई, वो चली ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो केक कटिंग था वो हो चुका है और सभी मेहमान वैसे आ गए थे, बस सभी के पहले केक सबको दे देंगे और फिर खाना वगैरह ये सब खा लेंगे। और सीरत फिर से रोने लग गई थी, होता है ना शुरू के बर्थडे में ना करीब करीब सारे ही बच्चे ऐसे रोते हैं, बट केक कटिंग के टाइम पर तो बहुत ही मतलब उस दिन तो चिड़चिड़ी हो रखी थी, पता नहीं क्यों।
क्योंकि सोनू का जो बर्थडे रहता है ना, बच्चे को इतनी होश नहीं रहती। हाँ, बट दूसरे में थोड़ी सी रहती कि हाँ मतलब बर्थडे है, बलून वगैरह देखते हैं, और तीसरे में तो बच्चा खैर उछल कूद मचाता है कि हाँ आज मेरा बर्थडे है बर्थडे। लेकिन जो फर्स्ट बर्थडे है, क्योंकि हरलीन भी ऐसे ही रो रही थी जब उसका शुरू का बर्थडे था ना, तो यही रोना धोना चलता है बच्चों का। तो यहाँ पर केक हो, मतलब केक कटिंग हो चुकी थी, बस अभी सबको दे देंगे केक और फिर खाना वगैरह ये सब वो कर देंगे। तो यहाँ पर मतलब वो जो दूसरे वाले जीजा जी हैं वो बोले थे, मतलब इसकी क्योंकि होता है ना कई जगह मतलब टीका करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं, मेरे यहाँ पे सिर्फ सिंपल ही करते हैं, क्योंकि हम टीका वगैरह नहीं वो करते ना। तो मेरे यहाँ पे बस केक कटिंग करने के बाद तो बस सबको केक दे देते हैं, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है तो टीका करते हैं, मतलब जिसका बर्थडे होता है तो उसका टीका करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे नहीं करता है कोई भी, ना ही हमने करा है और ना ही इन्होंने। लेकिन हाँ फिर बोला कि मतलब टीका करवाओ इसका, तो फिर लेकर के आए थे मतलब थाली वगैरह, लेकिन छोटी थी तो इतना ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। फिर हमने मना कर दिया कि रहने दो चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी। एक तो जैसे नए कपड़े रहते हैं तो बच्चा थोड़ा रोता ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसे वो हो रही थी, पता नहीं अजीब सा इसे फील हो रहा होगा, तो ये तो चुप ही नहीं हो रही थी। फिर हमने वैसे नहीं कराया था, मतलब टीका लेके आ गए थे, मतलब थाली वगैरह लेकर के आ गए थे, लेकिन फिर मतलब कराया नहीं था इसका टीका, क्योंकि कराते हैं ना जिस दिन बर्थडे रहता है तो टीका वगैरह कराते हैं, लेकिन हमने नहीं कराया था। तो यहाँ पर सभी मेहमान आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, मतलब पहले ये मेहमान मतलब बाहर बैठे हुए थे, तो अभी जैसे केक कटिंग हुआ तो सभी लोग आ गए थे अंदर। तो यहाँ पर अभी फिर जीजा बोलने लगे कि मतलब टीका कराओ कि, लेकिन ये सीरत इतनी ज़्यादा रो रही थी तो क्या कराते हैं, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा रो रही थी बेचारी, तो फिर वो कर दिया था कि छोड़ो जब बच्चा इतने ज़्यादा रो रहा है तो फिर जीजा ने बोला कि मतलब टीका कराओ, लेकिन ये सीरत इतनी ज़्यादा रो रही थी, फिर क्या टीका कराते। तो वीडियो में बने रहना एंड तक, एंड वीडियो फुल वॉच करना गाइस। तो यहाँ पर भाभी के मुंह पे लगा दिया है केक की, ये मतलब जो इधर लेडीज खड़ी हैं ये मेरे जो बड़े ताऊ जी हैं, ये उनकी मतलब लड़की है, मेरी दीदी लगती है, और ये जो अभी जेंट थे ये मेरे जीजा जी लगते हैं, मतलब ये भी इनके जीजा हैं, जो बड़े ताऊ जी हैं उनके जमाई हैं ये। तो यहाँ पर भाभी के मुंह पे भी केक लगा दिया, और सीरत तो इतनी ज़्यादा रो रही थी, बुरा हाल था इसका बेचारी का, रो रो के, बट बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो गाइस अभी इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।